नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको शरीर में हमेशा थकावट लगती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता या फिर सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं होता, एनर्जी लेवल कम रहती है या फिर शरीर में हमेशा कहीं ना कहीं दर्द रहता है, फिर चाहे वो मसल्स में दर्द हो या फिर हड्डियों में दर्द होना हो, तो इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। स्पेशली जिन लोगों की उम्र 40-45 से ज़्यादा है, तो इस बढ़ती उम्र के साथ साथ भी मसल मास कम होने लगता है, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है और फिर छोटी छोटी चीज़ों में भी दिक्कत आने लगती है। जैसे अगर आप बहुत देर तक खड़े रहे या फिर आपने सीढ़ियाँ चढ़ी तो भी पैरों में दर्द होने लगता है। इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए, यहाँ तक कि इनको प्रिवेंट करने के लिए हम इस वीडियो में आपको 5 सप्लीमेंट्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। और सबसे खास बात ये है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, स्त्री पुरुष दोनों इसे ले सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप इनकी सही सेवन विधि समझ सकें, इनके सही कॉम्बिनेशन क्या है, इसको आपने कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सबसे पहला जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो है रसायन चूर्ण। अब देखिए, रसायन चूर्ण आयुर्वेद की एक श्रेष्ठ औषधि है। रसायन चूर्ण में गोक्षूर, गिलोय और आंवला, इन तीनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है। ये आपको रेडी भी मिल जाता है या फिर आप घर पे भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। इन तीनों का चूर्ण आपने समान मात्रा में लेके आना है और इसको घर में मिक्स करना है। तो ये बहुत अच्छा टॉनिक है, ये शरीर की स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, एनर्जी इसको बढ़ाने वाला है। वाग्भट ऋषि कहते हैं, शांत विकार दुख समा शतम जीवति, यानी ये जो रसायन चूर्ण है इसके सेवन से सभी प्रकार के जो विकार है, बीमारियां है, वो नष्ट हो जाती है और व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है, शतायु होता है। तो ये बहुत अच्छी रसायन और वाजीकरण औषधि है। ये शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाने वाला है, पोषण करने वाला है। इसके साथ ही जो मसल्स है, बोन्स है, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए ये काम करता है। शरीर में जो वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष है, इन तीनों का समतोल, तीनों का बैलेंसिंग बनाए रखता है। अब देखते हैं कि इस रसायन चूर्ण का सेवन आपने कैसे करना है। तो इसको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आपने लेना है, यानी आधा से एक चम्मच रसायन चूर्ण आपने उसमें शहद और घी मिला के लेना है। तो इसमें शहद और घी को विषम मात्रा में लेना है, तब वो विरुद्ध आहार नहीं होगा। तो शहद आप आधा चम्मच ले और घी 1 चम्मच ले, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी रसायन चूर्ण, शहद और घी, इसको सुबह खाली पेट आपने लेना है। और फिर अच्छी तरह से भूख लगने पर कुछ भी आपने नहीं खाना है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी रसायन औषधि है जो मसल्स, बोन्स, एनर्जी के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करेगी। अगला जो नेचुरल सप्लीमेंट है तो वो है उड़द। उड़द की दाल को संस्कृत में माश कहा जाता है। तो इसके बारे में कहा गया है, माशः स्निग्ध बलश्लेष्म मल पित्त करह सरह। स्निग्ध यानी ये शरीर में स्निग्धता, लुब्रिकेशन को उत्पन्न करता है, शरीर के धातुओं को बढ़ाने वाला है, नरिशमेंट करने वाला है। ये शरीर में वात को कम करता है और वात कम होने से भी शरीर में अगर दर्द है, जॉइंट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो उसको भी कम करता है, मसल को स्ट्रेंथन करता है, बोन को भी स्ट्रेंथ देता है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर एसिडिटी की तकलीफ होती है, या फिर ऐसे लोग जिनकी अग्नि मंद है, तो इन सभी लोगों ने इसका सेवन थोड़ा सा संभाल के करना है या तो फिर बहुत कम क्वांटिटी में अपने इसे लेना है। ये प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, खास करके शाकाहारी लोगों के लिए बहुत अच्छा डाइटरी प्रोटीन है। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो ये जो उड़द की सफ़ेद दाल है, इसको पानी से धो के, इसको सुखा के, फिर भून के आपने इसका पाउडर बना के लेना है। और इसमें से 2 से 3 चम्मच पाउडर गाय के घी के साथ आपने भून के लेना है। उसमें आपने गाय का दूध डाले, आपके स्वाद के अनुसार इलायची है, मिश्री आपने इसमें डालनी है और इसकी खीर पका के आपने लेनी है। इसको आधा से एक कटोरी आप हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकते हैं। ये पचने के लिए भारी है, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में आपका डाइजेशन देखते हुए आपने इसका सेवन करना है। प्रिफरेबली जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक आपने उसके बाद नहीं कुछ खाना है। तो इस तरह से आप लेते हैं तो इसके सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आपको कोई रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए जो इफेक्टिव हो और सेफ हो, तो यहाँ पर मैं आपको एक यूनिक हेल्थ ड्रिंक के बारे में बताना चाहूँगी। ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि एनर्जी, स्टेमिना, इनको बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा।
इसका नाम है वंसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन। इसमें ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन है, यानी व्हे प्रोटीन, सोया प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। साथ ही इसमें विटामिन और मिनरल्स का 30% हायर कॉन्सेंट्रेशन है, जिससे एनर्जी को बूस्ट करने में ज्यादा अच्छे से मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा, हार्ट जोड़, गोक्षूर, पोमेग्रेनेट सीड, इन जैसी चार गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का भी समावेश है। तो हमारे रोज के खान पान में जो पोषक तत्व ठीक से नहीं मिल पाते, उसकी कमी को भी ये पूरा करता है। वंसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन को खास करके इंडियन लोगों की बॉडी टाइप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। वैसे तो सभी लोग इसे ले सकते हैं, लेकिन खास करके जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है, उनकी शरीर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसका जो फॉर्मुलेशन है वो किया गया है। इसमें पीडीसी एएएस 1.0 रेटिंग का प्रोटीन है, जो हाईएस्ट रेटेड प्रोटीन है, जिससे इसका जो एब्सॉर्प्शन है और डाइजेशन है वो ज्यादा अच्छे से होके आपको इसका फायदा भी ज्यादा मिलता है। इस तरह से एक ही हेल्थ ड्रिंक में हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और आयुर्वेदिक वनस्पतियों के फायदे, ऐसा एक कम्प्लीट फॉर्मुलेशन मिल जाता है, जो आमतौर पर दूसरे हेल्थ ड्रिंक्स में इतना नहीं मिलता। अब देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो 200 ml गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ आपने ये 30 ग्राम पाउडर लेना है। इसको प्रॉपरली मिक्स करना है और फिर आपने अच्छे से इसको एंजॉय करना है। मेल फीमेल दोनों इसे ले सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने इसे 3 महीने तक लेना है। इसकी एक और खास बात यह है कि इसमें एडेड शुगर नहीं है, इसमें मीठी तुलसी यानी स्टीविया है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो भी इसे सेफली ले सकते हैं। इस तरह से ये एक यूनिक हेल्थ ड्रिंक है, तो आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिए। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, तो वहां पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। अगला जो हमारा नेचुरल सप्लीमेंट है वो है खजूर। तो ये भी आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट का एक रिच सोर्स है। शुगर का ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है और ये शरीर में कोई भी कोलेस्ट्रॉल या फैट को नहीं बढ़ाता। चरक ऋषि कहते हैं, मधुरम रूहनम वृषम खर्जूरम गुरु शीतलम क्षये अभिघाते दाहे च वात पित्ते च तद्वितम। वात पित्त की प्रकृति और वात पित्त की विकृति, यानी इनसे संबंधित कोई बीमारी, इसमें ये बहुत अच्छी औषधि है। आप ये कैसे समझे कि आपकी प्रकृति कौन सी है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो सीरीज बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। इसे बल्य ब्रूहन करने वाला कहा गया है, यानी शरीर को ताकत देने वाला है। ये श्रम हर है, यानी अगर आपको थकान होती है तो उस थकान को भी ये कम करता है। साथ ही में क्षय विकार में, यानी किसी भी कारण से शरीर के धातुओं का क्षय हुआ है, झीज है, डी जनरेशन है, जैसे कि मानसिक क्षय यानी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मसल वेस्टिंग है, तो उन जैसी कंडीशंस में भी ये बहुत अच्छा फूड है। अब इसे आपने कैसे खाना है, तो सिंपल ऐसे खजूर भी आप धो के खा सकते हैं। दूसरा है कि रात को 2 से 4 खजूर पानी में भिगो के सुबह आपने इसको खाना है। सिर्फ ये पचने के लिए थोड़े से भारी है, तो आप जितना अच्छे से पचा सके उतनी ही क्वांटिटी में आपने इसे लेना है, या फिर आप इसको दूध में पका के भी खा सकते हैं। तो 2 से 3 खजूर को क्रश करके 100 से 150 ml दूध के साथ आपने इसे पकाना है और फिर इसका सुबह आपने सेवन करना है, जब आपको बहुत अच्छी भूख है। अब देखिए, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि खजूर की तासीर जो है तो वो गर्म है, लेकिन नहीं, आयुर्वेद में कहा गया है कि इसकी तासीर ठंडी है। तो जिनको पित्त से संबंधित कोई तकलीफ है, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगला जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो है केला या बनाना। संस्कृत में इसे कदली कहा जाता है। तो भाव प्रकाश निघंटु में कहा गया है, पक्वम स्वादु हिमम पाके स्वादु वृषस्य ब्रूहणम। इसका जो पक्व फल है यानी जो पका हुआ फल है, उसे वृष कहा गया है, यानी ये वीर्य को बढ़ाने वाला है, ये धातुओं को बढ़ाता है, ब्रूहन करने वाला है, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु को ये बढ़ाता है, शीतल है यानी इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। इसके अलावा इसे रुचिकर कहा गया है, यानी जिन लोगों को अगर खाने का स्वाद नहीं आता, खाना खाने का मन नहीं होता, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फल है। केले का सेवन करते समय भी आपने कुछ सावधानी जरूर लेनी है, जैसे कितना भी अच्छा फल हो, लेकिन इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं खाना है। कुछ लोग एक ही समय पे 4 या 6 बनाना तक खा लेते हैं, तो ऐसे आपने नहीं करना है। 1 या 2 केला आप खा सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कफ की तकलीफ है, आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, या फिर उसकी विकृति है, जैसे आपको बार बार सर्दी खांसी जैसी कोई तकलीफ है, तो सुबह सुबह आपने इसका सेवन नहीं करना है। क्योंकि देखिए, सुबह का जो समय है 6 से 10 बजे तक का, ये कफ बढ़ने का समय है। तो अगर आप केला खाते हैं तो केला भी कफ को बढ़ाता है, तो इस तरह की सावधानी आपने जरूर लेनी है।
दूसरा है कि केला और दूध, ये कॉम्बिनेशन आपने नहीं लेना है क्योंकि इसमें भी आयुर्वेद में विरुद्ध आहार इसे बताया गया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने नहीं करना है। अब ये केला भी कफ को बढ़ाता है और दूध भी कफ को बढ़ाता है, तो शरीर में कफ जब बढ़ेगा तो आपका अग्नि मंद होगा, पाचन क्रिया भी मंद हो जाएगी। केला आप घी के साथ खा सकते हैं क्योंकि घी अग्नि को बढ़ाने वाला है, तो इसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हमने 5 सप्लीमेंट्स देखे जो मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और एनर्जी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।